धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं और ऊंचा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं खुदा। जिंदा प्रभु, पवित्र धर्मी, सबों के लिए भाला यीशु नासरी, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के दिए हुए आज के शाम में, आज की सुंदर संध्या काल में, आज के आनंद में, रात्रि के इस सुनहरा अवसर में, पावन बेरा में, सुंदर पल में प्रभु से बातें करें, यानी कि प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, याचना करें। पूरे दिन प्रभु संभाला, हम सबों का ख्याल रखा, हम सबों का देखभाल किया, देखरेख किया, हम सबों के परिवारों का भी क्या किया, ख्याल रखा, अपने आँखों के पुतली की नाई देखभाल किया, देखरेख किया। मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अपने मुँहों को खोलिए, अपने आवाज़ों को उठाइए और उसकी स्तुति कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, अपनी आँखें प्रभु के सिंहासन की ओर उठाइए, अपना हाथ प्रभु के ऊंचे सिंहासन की ओर उठाइए, उसको धन्यवाद दीजिए, तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की तारीफ कीजिए, बड़ाई कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, सारे प्राण आत्मा देह के साथ है, उसका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। क्या होगा, पूरे रात्रि भी प्रभु आपको संभालेगा, आपके परिवार को संभालेगा, आप सबों का ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा, अपनी पनाह में पूरे रात्रि सुलाएगा, अपने छत्र छाया में सुलाएगा। हाँ, अच्छी मीठी नींद के साथ है, सुख शांति चैन की नींद के साथ, सुकून भरी नींद के साथ आप सोएंगे, किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं होगा, तकलीफें नहीं होगा, शैतान अटैक नहीं कर पाएगा, दुष्ट करुण मनुष्य से चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, कोई रोग नहीं होगा, कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, डरावना बुरा गंदा सपना नहीं आएगा, चिंता नहीं सताएगा। हाँ मेरे प्रियो, कोई दुख आपके डेरा के निकट नहीं आएगा, घर में कोई कलेश नहीं होगा। हालेलुया, पूरे रात्रि अच्छे से सोएंगे। और मैं आपको बता दूँ, पूरे दिन प्रभु आपको संभाला है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज के पूरे दिन में जो आशीष प्रभु आपको दिया है, उस आशीष को याद करके प्रभु को धन्यवाद देंगे। जो काम आपके जीवन में प्रभु किया है, आपके साथ रह करके जो चमत्कार दूसरों के जीवन में आपके द्वारा किया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। जो उपकार आपके ऊपर आज के पूरे दिन में प्रभु किया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियो, और भी प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, और भी प्रभु अपने कामों को आपके जीवन में प्रकट करेगा, और जो काम जो कार्य आज के दिन में नहीं हो पाया है, वो काम वो कार्य बहुत जल्द सफल होगा, रुका हुआ काम, फंसा हुआ काम सफल होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो जीसस, स्तुति हो जीसस, स्तुति हो जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी। तारीफ करते हैं उद्धारकर्ता, आपके नाम को आदर देते हैं सृष्टिकर्ता, धन्यवाद करते हैं हम सबों का रचयिता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उच्च पर विराजमान पवित्र सिंहासन पर विराजमान सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के यहोवा,
आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु कृपयालु खुदा, ज्योतिमय परमेश्वर, आशीषों के पिता, धन्यवाद करते हैं जीवित बलि। आज के पूरे दिन में हमें और हमारे परिवारों को, एक एक मसीह भाई बहन, उनकी पूरी फैमिली को अपने आंखों के पुतली की नहीं संभालने वाले, सुंदर सुबह के साथ है, सुंदर शाम भी, सुंदर संध्या काल भी हमें दिखाने वाले खुदा, आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी हमारे जीवन में जोड़ने वाले प्रभु, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं जिंदा खुदा। सामर्थी प्रभु धन्यवाद करते हैं, सहायता मदद करने वाले आज के पूरे दिन हमारे निकट रह करके, करीब रह करके, नज़दीक रह करके, पास समीप रह करके हमारा मार्गदर्शन करने वाले, हमारा अगुवाई करने वाले, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी स्तुति करते हैं खुदावन यीशु। प्रभु जी, आज के पूरे दिन में जो आशीष आप हमें दिए हैं, आज के पूरा दिन में प्रभु जी जो उपकार हमारे ऊपर आप किए हैं, आज के पूरा दिन में जो काम कार्य हमारे जीवन में किए हैं, हमारे साथ हैं, रह करके लोगों के जीवन में चमत्कार किए हैं, उसके लिए प्रभु लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपका दया, कृपा प्रभु का करुणा हमेशा के लिए हमारे ऊपर हो। सहायता कीजिए आप प्रभु जी हमेशा के लिए। धन्यवाद यीशु, सहायता कर, थैंक यू जीसस। मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। तारीफ बड़ाई करते हैं राजा, तारीफ बड़ाई करते हैं राजा। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, मदद कर प्रभु, धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कीजिए जितने मसीह भाई बहन आज की शाम में, आज की सुंदर संध्या काल में प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, आज के रात्रि में प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, जितने जन हमारे साथ प्रभु जी प्रार्थना में बने हैं, शामिल हुए हैं प्रभु जी, विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, वो सब प्रभु जी सब प्रकार के समस्या से, दिक्कत से, परेशानी से स्वतंत्र हो जाए, दुखों से, बीमारी से प्रभु जी स्वतंत्र हो जाए, सकेती से प्रभु जी, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव से, फालतू सोच से प्रभु जी स्वतंत्र हो जाए, छुटकारा पा जाए, मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए। सहायता कर माय लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पिता, तू महान है प्रभु, प्रभु तू अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। आज के दिन में जिनका काम कार्य सफल नहीं हो पाया है, उस अधूरे काम को, उस रुके हुए काम को, कार्यों को बहुत जल्द सफल कीजिए, सारी बिगड़ी को बनाइए प्रभु, उलझन को सुलझाइए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, समस्या का हल निकालिए, समाधान कीजिए, दुखों का निवारण कीजिए यीशु जी। हे मेरे मालिक सहायता कर, हे मेरे मालिक सहायता कर, हे मेरे मालिक सहायता कर। मदद कर खुदा, मदद कर खुदा, मदद कर खुदा, मदद कर खुदा। अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु धन्यवाद करते हैं। दयालु कृपयालु प्रभु, अति करुणा में सहायता कीजिए, करुणा निधान सहायता कीजिए मेरे अब्बा, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। अस्तुति हो प्रभु जी, अस्तुति हो प्रभु जी, अस्तुति हो प्रभु जी, अस्तुति हो प्रभु जी। तारीफ हो खुदा, सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा, धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के उसका
8 पद के वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से, क्या लिखा है, आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। क्या लिखा है, जो कोई पाप करता है, बार बार गलतियां करता है, गुनाह करता है, अपराध करता है, दुष्टता के काम, अधर्म के काम करता है, वो किसकी ओर से है? लिखा है कि शैतान की ओर से है। शैतान आदि से है, शुरू से है पाप करते हुए आया। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाए, उन लोगों को रहने के लिए सुंदर वाटिका बनाए और छोटी सी आज्ञा दिए कि इस वृक्ष का फल मत खाना, शैतान ने क्या किया, आदम और हवा से पाप कराया। परमेश्वर की दी हुई आज्ञा का उल्लंघन करवा करके उन दोनों से पाप करवाया। क्या लिखा है, आरंभ में से यानी कि शुरू से ही शैतान पाप करते आया है। जो कोई पाप में है वो शैतान की ओर से है। पर प्रभु यीशु मसीह आए हैं कि शैतान के सारे कामों को क्या करें, नाश करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। शैतान का काम क्या है, पाप करवाना, गुनाह करवाना, गलतियां करवाना, दुष्टता के काम करवाना, अधर्म के काम करवाना, श्राप से दबाना, नाश की ओर ले जाना। जो कोई पाप करेगा, श्राप उसके ऊपर पड़ेगा और वो नाश होगा। पर परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वो शैतान के कामों को नाश करे, यानी कि शैतान जिसको पाप की ओर ले जा रहा है उसको वहाँ से प्रभु यीशु मसीह लौटा ले आए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पाप की ओर से, गुनाह की ओर से, दुष्टता के काम की ओर से, अधर्म के काम की ओर से आपको लौटा ले आएगा। गलत मार्ग पर चल रहे हैं वहाँ से फेर लाएगा आपको, हाँ वहाँ से ही फेर लाएगा। लेकिन आप उसके वचन को सुनेंगे तब ना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, यीशु को अपना प्रभु मानेंगे, उसके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे तब ना बचेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके लिए फर्स्ट काम है प्रार्थना। प्रार्थना कीजिए, आपका मन वचन में लगेगा, वचन को सुनेंगे पढ़ेंगे, फिर प्रभु का अनुग्रह आपको छू लेगा और आपको पाप के मार्ग पर से फेर देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो कोई पाप में है उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी कोई और नहीं है, आप प्रभु की सुनते और मानते हैं आप वही धर्मी हैं। जिस किसी के लिए आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनका जीवन बदलेगा, वो लोग भी प्रभु के प्रेम में आएंगे, प्रभु के भय में आएंगे। एक दिन वो लोग भी प्रभु की सुनेंगे, मानेंगे और पाप की ओर से फिर जाएंगे, प्रभु की ओर फिर जाएंगे और उनका जीवन बच जाएगा, श्राप से स्वतंत्र हो जाएंगे, नाश होने से बच जाएंगे। शैतान पाप कराता है, गुनाह, गलती, अपराध, दुष्टता के काम शैतान कराता है। शैतान का काम क्या है? शैतान का काम यही है कि लोग पाप करें, श्राप में दबे और नाश की ओर चले जाए, नाश हो जाए। पर प्रभु यीशु मसीह आए हैं जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह की सुनिए और मानिए भी, सिर्फ सुन करके छोड़ना नहीं है, एक कान से सुन करके एक कान से निकालना नहीं है। अपने कान को खोलिए, प्रभु की सुनिए, हृदय में बैठाइए और उस पर चलिए भी, ना सुनने से बच जाएंगे। सुनने में मन नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम होता है,
दिक्कत होते हैं, परेशानी होते हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना से सब संभव है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना कीजिए, जो कोई पाप में है, शैतान के हाथ में है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आप भी सुनने लगेंगे और जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे वो भी सुनने लगेंगे। किसका? प्रभु का। और प्रभु अनुग्रह देगा, उस पर चलने के लिए चलने लगेंगे। पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा तो श्राप से दबेंगे नहीं, और सब, और जब श्राप से दबेंगे नहीं तो नाश नहीं होंगे, जीवन पालेंगे। हाँ, जीवन पालेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता। सहायता कर, 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 मदद कर लो डिजीज, सहायता कीजिए प्रभु परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, जो कोई शैतान की सुनते हैं और मानते हैं, शैतान के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, दुष्टता के काम करते हैं, अधर्म के काम करते हैं, जो कोई प्रभु जी शैतान के हाथ में है, शैतान के बेड़िया जंजीरों से प्रभु जी जकड़े हुए हैं, शैतान के वश में है, शैतान के बंधन में है स्वर्गीय पिता, हे खुदा यीशु, उन लोगों को प्रभु जी जीवन दीजिए। हाँ, जीवन दीजिए। शैतान के हाथों से उन लोगों को छीन लीजिए। आपकी बनाई हुई घर में, मंदिर में आपका आत्मा ही वास करने पाए, ना कि दुष्ट शैतान, दुष्ट आत्मा। सहायता कर खुदा, सहायता कर खुदा, सहायता कर खुदा, सहायता कर खुदा। जो गलत मार्गों पर है फिरला, गलत काम करते हैं, गलत संगति में हैं, जिनको गलत, हाँ जिनको गलत लत लग चुका है, आदत लग चुका है, जिनका व्यवहार है, प्रभु अनुग्रह का स्वर्गीय पिता, गलत व्यवहार को चेंज कर दे स्वर्गीय पिता, खत्म कर दे खुदा। अनुग्रह कर खुदा, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए खुदा उन्हें। तारीफ करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं खुदा। अनुग्रह कीजिए, एक एक को प्रभु जी अपने मार्गों पर चलाइए, एक एक के मुख पर अपना ज्योति चमकाइए, जीवन में अपना ज्योति उदय कीजिए। सब प्रभु जी आपकी सुने, आपकी माने, आपके बताए हुए मार्गों पर चले, ताकि प्रभु जी पाप में ना फंसे, श्राप में ना फंसे, नाश की ओर ना जाए, जीवन पाले। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस। आपकी महिमा करते हैं। जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता उनको प्रार्थना करने की अनुग्रह दीजिए, जिनका मन वचन में नहीं लगता वचन पढ़ने की सुनने की अनुग्रह दे दीजिए, और एक एक को वचन के अनुसार जीवन जीने की आत्मानुग्रह दे दीजिए स्वर्गीय पिता। सामर्थ्य दे दीजिए प्रभु जी, अपना ज्ञान बुद्धि का प्रकाश दे दीजिए। सहायता कीजिए, अनुग्रह कार्य खुदा, धन्यवाद देते हैं, कृपयालु दयालु प्रभु। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद हो यीशु, आपकी स्तुति करते हैं। आज के शाम में ये भाई ये बहन जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, आज के वचन को रिसीव किए हैं, वो सब प्रभु जी जिस किसी के लिए दुआ कर रहे हैं उनके जीवन में आप काम कीजिए, जीवन को चेंज कीजिए, बदलिए व्यवहार को, स्वभाव को, चाल चलन को बदलिए, चेंज कीजिए यीशु जी। अनुग्रह कीजिए खुदा, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो खुदा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस, महिमा प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस। अस्तुति हो पिता, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। दयावंत प्रभु धन्यवाद करते, कृपयालु खुदा धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, सब प्रकार के पाप से छुटकारा, हाँ छुटकारा दीजिए, धन्यवाद कि तूने दिया। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना भी समय दिए हैं, दृष्टि की जरूरत, हाँ आमीन में सबों को दीजिए, ताकि सब
आपकी महिमा करे, सबों का विश्वास आप पर अटल बना रहे। धन्यवाद कि तूने दिया यीशु, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम मम्मी मांगते और कहते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे शाम 4 बजे प्रार्थना को और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय, हाँ प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।